सदियों से माँ गंगा हमारे पूर्वजों को, हमारी तमाम पिछली पीढ़ियों को साधते आई है। एक ऐसा ज्ञान परोसते आई है जिससे इस भारतवर्ष की परिकल्पना बनी, ये भारतवर्ष बना, कैसे ये देश आगे बढ़ा, उन सारी तमाम जो सोच थी, तमाम जो गतिविधियाँ थी, तमाम जो लोग थे, गंगा माँ के पानी ने सबको सींचा है। और सींचते सींचते आज भारत दुनिया की तमाम बड़ी शक्तियों में शामिल है। बहुत सारे लोग आए, भगीरथ ने इस गंगा को धरती पर लाने का काम किया तो बहुत सारे लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया। कई यूथ थे, कई लीडर्स आए, कई सोशल वर्कर्स आए, बहुत सारे लोग आए जिन्होंने वक्त वक्त पर आते आकर के इसको बदला, इसमें चेंजेस लेकर के आए, बदलाव लेकर के आए। आज हमारे इस कार्यक्रम राउंड अप विद संजय में आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ। उम्र भले ही थोड़ा सा छोटी है लेकिन सपने बड़े हैं, उम्मीद बड़ी है, आशा बड़ी है। शहर में घुसते ही, ऋषिकेश में जैसे ही आप एंटर करते हैं, शायद आपको गाहे बगाए कहीं ये नाम सुनने को मिल जाएगा। नाम एक खूबसूरत सा नाम जो यूजुअली आपको आसानी से इस दौर में सुनने को नहीं मिलता है, कनक। पर्यायवाची होता है गेहूं का, पर्यायवाची होता है सोने का, पर्यायवाची होता है बहुत सारी चीजों का। एक खूबसूरत सा नाम और उस नाम से सने पोस्टर जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे। आजकल एक नई टैगलाइन भी जुड़ी है उस उन पोस्टर्स के साथ, और वो टैगलाइन है परिवर्तन का पुरोधा। कोशिश करते हैं जानने की, सुनने की, समझने की कि कौन सा परिवर्तन, किस तरह का परिवर्तन लेकर के आना चाहते हैं और किस तरह के परिवर्तन की आकांक्षाएं उनके पास हैं। आइए आज आपकी मुलाकात कराते हैं कनक धनाई से। कनक, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, आप बताएं। मैं आपको कनक कनक बोलूं माइंड तो नहीं करेंगे? बिल्कुल, आप छोटे भाई की तरह हैं। बिल्कुल कनक, कुछ बताइए अपने बारे में, शुरुआत कहाँ से हुई, कहाँ से हैं पहले तो, ऋषिकेश से हैं या मूलतः कहाँ के हैं, कैसे कैसे शुरुआत हुई, कुछ अपने बारे में बताइए। ठीक है, सबसे पहले तो आपके पूरे शो का मैं आभारी हूँ, बालाजी चैनल का आभारी हूँ। मैं अगर अपनी शुरुआत की बात बताऊँ, हम मेरा जो जन्म है रायवाला खांडगांव का है। ओके। और उसके बाद प्रारंभिक शिक्षा के लिए हम लोग गढ़वाल चले गए थे, 10वीं तक गढ़वाल में पढ़े। ओके। इंटरमीडिएट करने के लिए मैं मसूरी चला गया और फिर जो कॉलेज की यात्रा रही, पूरे 5 साल मैंने देहरादून पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी से 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड लॉ में स्नातक की डिग्री ली, और इसी सब के बीच देखा सीखा, और जो शुरुआत है वो भी इसी यात्रा के बीच में 11th क्लास से पहले जब एक मौका मिलता है स्ट्रीम चूज करने का, तो वहीं से ही मन बना लिया था कि पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, और मॉन्टेस्को, सोक्रेट्स, एरिस्टोटल, इनको पढ़ने का जब कहीं आर्टिकल में पढ़ा तो लगा कि इनको समझना है, इनको जानना है। तो 2 साल वो पढ़ने के बाद फिर और चीज़ें देखी, समझी, चीज़ों को जाना, तो लगा कि लॉ एक ऐसी चीज़ है जिसका जानना, जिसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भारतीय उपमहाद्वीप में। तो उस चीज़ को समझा, 5 साल तक लॉ की पढ़ाई करी, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा, IPC, CRPC, जितने भी पब्लिक इंटरेस्ट और पब्लिक डीलिंग से संबंधित जो भी कोर्सेज थे उनको पढ़ा, समझा, और फिर मास्टर्स के लिए बाहर जाने का सौभाग्य मिला, उसमें पब्लिक पॉलिसी पढ़ी, और इसी बीच अपनी विचारधारा मजबूत होते गई, चीज़ों को देखने की, समझने की जो एक एंगल होता है, जो एक नज़रिया होता है, जो एक ऐनक होता है, वो थोड़ा सा धीरे धीरे जैसे जैसे विचारकों को, चिंतकों को पढ़ा, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, अंबेडकर को पढ़ा, गांधी को पढ़ा, पुराने उसमें लियो टॉलस्टॉय को पढ़ा, तो धीरे धीरे एक मोल्डिंग होते गई, और इस तरीके की जो संरचना है जो आज आप लोग देखते हैं वो उस पूरी यात्रा का हिस्सा रहा है। आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड पे ही आते हैं,
शुरुआत गढ़वाल से बिल्कुल। और अच्छा, इसमें एक सवाल और है कि मैं, मेरे को पहाड़ी मत बोलो, मैं देहरादून वाला हूँ या नहीं? मैं बिंग तो बचे तब हूँ गढ़वाली। बिंदु बिछो और बचे तो बिछो। अच्छा, दूसरी चीज। अच्छा ठीक, यानी ओके, मतलब आजकल एक्चुअली ट्रेन में ही पूरी ओंदी। हाँ, पूरी ओंदी, ठीक है। तो गढ़वाल से शुरू करके बिल्कुल, और एक बिल्कुल जो एक हमारा ट्रेडिशनल परिवेश है वहाँ से निकल करके बिल्कुल, और ऑक्सफोर्ड की गलियों तक पहुँचना बिल्कुल। ऑक्सफोर्ड जाने का ख्याल कैसा है, कि ऑक्सफोर्ड ही जाना है? देखिए, जो फॉर्मल एजुकेशन थी वो क्वींस मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से हुई थी। ऑक्सफोर्ड एक इवनिंग कोर्स था, वीकली कोर्स था, उसमें कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जो स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन है ऑक्सफोर्ड का, वहाँ से ये चीज़ें आई हैं। तो वो साथ ही साथ अलायंस कोर्स था। अच्छा, और जब पब्लिक पॉलिसी पढ़ी तो वॉर एंड टेररिज्म के ऊपर वो कोर्स था। ओके, और थोड़ा सा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पब्लिक पॉलिसी को जब पढ़ रहे थे, तो उसी बीच इन सब चीज़ में इंटरेस्ट जागा, तो कोर्स लिया। और मुझे लगता है कॉलेज कि जो एजुकेशन है उस समय आप जितनी भी एलाइट कोर्सेज कर सकते हैं वो सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण समय होता है अपने आप को, अपनी सीख, अपने आप को और पॉलिश करने का, अपने स्किल्स को बढ़ाने का। एक तो, एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी है ये, आई थिंक, मतलब युवाओं के लिए खास कर, बिल्कुल कि मतलब फॉर्मल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन तक सीमित ना रहे, साथ में जितनी जगह हो सकता है हाथ पांव मारे, दायरा बढ़ाना, बढ़ाते रहना चाहिए, स्किल और नॉलेज में रुके ना। बिल्कुल। अब अगर हम लोग एजुकेशन की बात करें, दोनों जगह आपने एजुकेशन लिया है, ठीक है, वेदर हम लोग बात करें कि आपने यहाँ पढ़ा, पेट्रोलियम में पढ़ा, और आप यूके गए थे पढ़ने के लिए, क्या एक बेसिक आपको लगता है कि जब आप वर्ल्ड क्लास एजुकेशन ले रहे होते हैं तो क्या लगता है कि क्या खामियाँ हैं कि अभी हम उस एजुकेशन लेवल तक नहीं पहुँचे हैं? या एक समय का विश्वगुरु जो भारत कहलाता था, वो आज हम तरस रहे हैं कि यार इतना वेल मेंटेन्ड सिस्टम नहीं है हमारे पास, जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हमारे स्टूडेंट्स को या बच्चों को दे पाए। बिल्कुल, देखिए नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी इसी देश में हुई, और आज ये स्थिति है कि टॉप 500 में हमारा शायद एक IIT बॉम्बे कॉम्पीट कर पाता है। उसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की रेटिंग होती है, उसमें आपका जो टीचर्स हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, उसमें आपके लाइब्रेरी में जो एक्सेस है कितना एक्सेस है, स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है, इन चीज़ों में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हिंदुस्तान में बातें नहीं होती हैं। जो क्वालिटी एजुकेशन है वो इन सब चीज़ों से ही निर्धारित होती हैं। और जैसा आपने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, हम लोग अभी थोड़ा बहुत नहीं, काफी पीछे हैं, खासकर गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। सिर्फ कुछ सेलेक्टेड जगहों पर काम हुए हैं, वो IITs आप कह लीजिए, वो IIM आप कह लीजिए, और मेडिकल कॉलेजेस आप कह लीजिए, बाकी जितने भी इनके अलावा जो और कॉलेजेस हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, जो नगर क्षेत्रों में, जो छोटे नगरों में और छोटे राज्यों में हैं, इन जगहों पर मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसा काम हुआ है। और सिर्फ 2-3 सेक्टर को ही प्रमोट करना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी खामी है हमारे, एक बहुत बड़ा डेफिसिट है हमारे एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में। गवर्नमेंट का, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो बहुत अच्छे से बढ़ रहे हैं, पर जो गवर्नमेंट का काम था और गवर्नमेंट को फैसिलिटी देनी चाहिए थी, वो आज उस स्पीड से, उस रफ्तार से, उस पेस से नहीं हो पा रहा है। हम लोग बात कर रहे हैं जैसे एजुकेशन सिस्टम के, अभी मैंने रिसेंट एक वीडियो देखा था जहाँ पे आई थिंक यही लोकल कॉलेज की बात हो रही थी, एंड हमारी जो लीडरशिप है वो लीडरशिप वहाँ पे शायद कॉलेज के नाम को लेकर के बात कर रहे थे। बिल्कुल, बट आई थिंक वो वीडियो आपने भी देखा होगा। मैंने भी देखा, सब ने देखा, जितने भी लोग ऋषिकेश में सोशली एक्टिव हैं उन सब ने वो वीडियो देखा। और मुझे लगता है नाम से ज्यादा हमें अपग्रेडेशन पे बात करनी चाहिए। क्या हम एजुकेशन दे रहे हैं, क्या हम स्किल सिखा रहे हैं यहाँ के कॉलेज में, क्या यहाँ का बच्चा जब ग्रेजुएट होता है, स्नातक होता है, क्या वो इस पोजीशन में रहता है कि वो कॉम्पीट कर सके बड़े कॉलेज के बच्चों से? तो ये सब चीजें चिंतन होनी चाहिए। नाम और नेताओं ने जो भाषण में कहा, भूल हुई, चूक हुई, वो एक छोटा सा इश्यू है, बट उससे बड़ा इशू मुझे लगता है ये सब चीज़ें हैं। हम बच्चों को
हम कैसे बाई प्रोडक्ट इस कॉलेज से निकाल रहे हैं? कनक के जहाँ तक मैं बैकग्राउंड की बात करूँ, एक बात और है जो शायद यहाँ पे मिस हो रही है या जो बहुत सारे लोग अभी कनक को नहीं जानते हैं। कनक ऑलरेडी एक वेल एस्टेब्लिश्ड जो पॉलिटिकल फैमिली है उससे आते हैं। आपके फादर शायद MLA रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, टूरिज्म उन्होंने देखा। और जिस समय उनके पास टूरिज्म था, आई थिंक मैं गंगा जी की बात कर रहा था और टीरी डैम में जो सारा जो भी विंटर या जो भी गेम्स होते हैं वहाँ पे, उनका बड़ा श्रेय जो है धनेश साहब को जाता है। ये कुछ ऐसा है कि मतलब एक विजनरी डैड एंड उनकी जो एक डायनेस्टी है उसको आगे ले जाने के लिए, मतलब मेरा सीधा क्वेश्चन ये है कि कनक पॉलिटिक्स में आ रहे हैं मैं वेट नहीं कर सकता क्वेश्चन के लिए। बिल्कुल आप कह सकते हैं, और मुझे लगता है मैं पिछले 2 सालों से ऋषिकेश में हम लोग एक्टिव हैं, पॉलिटिकली एक्टिव हैं, और कारण आपका अपब्रिंगिंग होती है, जो इन्वायरमेंट आपको घर में मिलता है, आप जो देखते हो उसी को ही एक्सेप्ट करते हो। तो बचपन से ही हमने जो माहौल देखा घर का, वो काफ़ी पब्लिक ओरिएंटेड इन्वायरमेंट था, बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना काम को लेकर, शासन प्रशासन से जो आदमी परेशान हो जाता था। हम लोग जिला हेडक्वार्टर में रहते थे तो सारे दफ्तर वहीं थे, तो लोगों का काफ़ी आना जाना, उनकी समस्याएँ, उनका निवारण, उनसे कैसे उसका हल निकलेगा, कैसे उसका निवारण निकलेगा, इन सब चीज़ों पे बात होते होते हमने देखा। हम उस एटमॉस्फेयर, उस एनवायरनमेंट में हम लोग बड़े हुए, और मुझे लगता है आपकी फैमिली का जो एनवायरनमेंट होता है उसका बहुत ही ज़्यादा गहरा असर आपकी अपब्रिंगिंग, आपके कैरेक्टर में पड़ता है। तो वो एक कारण आप कह सकते हैं कि घर का जो माहौल है। कनक को अगर हम लोग अब इसको इसको मैं पॉलिटिकल लाइफ कहूँ आपकी या सोशल लाइफ कहूँ आपकी, इसको कैसे डिफाइन करना चाहोगे आप? नहीं, प्योर पॉलिटिकल है, हम राजनीतिक रूप से ही ऋषिकेश में सक्रिय हैं, और उस तरीके का चोला पहनना हमें नहीं आता है कि सामाजिक गतिविधियों का नाम देकर हम लोग फिर अपनी बातें रखें। हमारा कहना स्पष्ट है, हम लोग यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, हम लोग इस सीट से प्रतिनिधित्व जो है स्थापित उसको चैलेंज कर रहे हैं कि क्या क्या कमियां रही हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा इसको सोशली मैस्करेड नहीं करना चाहूँगा, मैं चाहूँगा जो पॉलिटिकल है उसको हम लोग पॉलिटिकल ही कहें, तो ये प्योर पॉलिटिकल है। सो मीन्स आप ये चाह रहे हैं कि लोग आपको इंस्टेड ऑफ सीइंग अ सोशल वर्कर वो आपको हमने उसी नजरिए से देखें कि हाँ कनक धनई द पॉलिटिशियन। हमने कभी दावा नहीं करा कि हम लोग सोशली या हम वो सामाजिक इमेज बनाए। ओके, हम लोग शुरू से लेकर अभी तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ काम को लेकर सजग हैं, नीतियों को लेकर सजग हैं, पॉलिसी और उनकी फ्रेमिंग को लेकर सजग हैं, उसमें जो त्रुटियां हैं, अवहेलनाएं हैं, जो लेक्यूनाज हैं, उसको लेकर हम लोग सजग हैं। तो बहुत ज्यादा मैं समझता हूँ, चुनाव का सीजन है, दिसंबर का ये महीना चल रहा है, बहुत सी ऐसी बातें आएंगी, नेता नहीं बेटा चुनो, बेटे को जिताओ, बेटे लोगों के पास बहुत है, किसी के घर में 2 हैं, किसी के घर में 3 हैं, किसी के घर में 1 है, किसी के भाई के बच्चे हैं, किसी की बहन के बच्चे हैं। तो मुझे लगता है ऋषिकेश को एक लीडरशिप की जरूरत है, बेटे तो सारे बेटे हैं, सभी बेटे हैं, सारे बेटे हैं, तो मुझे लगता है एक अच्छी लीडरशिप की जरूरत है। और हम सीधा सीधा उस बात पे आएंगे, हम बहुत ज्यादा घुमा फिरा कर ना बात करना जानते हैं, ना हम वो कभी बात किसी के सामने रखते हैं, एक बेटे के तौर पर नहीं। अगर लगता है कि हम लोग कुछ बेहतर कर सकते हैं तो बिल्कुल उनका आशीर्वाद मिलता है, और नहीं लगता तो वंचित भी रह जाते हैं कई बार। ओके, हम बात करें कि लाइक कोई भी चीज़ या हम लाइफ के किसी भी परिदृश्य को देखें, किसी भी परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखें, किसी भी नई चीज़ के लिए या नए इंसान के लिए आना, किसी भी नई चीज़ का निकल के आना, कहते हैं ना एक पुरानी कहावत है, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। बिल्कुल, राजनीति में लोग मोस्टली 2 तरह के होते हैं, एक होता है जो ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते हैं, एक होता है कि लाइक उनको एक सही पॉइंट पे सही मौका मिला, सही डायरेक्शन मिली, सही गाइडेंस मिली, सही साथ मिला एंड दे हिट। बिल्कुल, तो वो कौन सा वैक्यूम ऐसा है या वो कौन से चीज़ें ऐसी हैं जो कनक को ये लगता है कि यार अगर कनक नहीं आया तो ये कौन करेगा? व्हाई शुड यू एक्सेप्ट कनक कि मतलब हाँ ये हाँ कि ठीक है यार ये वैक्यूम है ना, अभी सारी चीजें हो रही हैं लेकिन ये चीजें हैं ना तो ये कनक आगे करेगा, इट्स हिज ड्यूटी, और वो इस वैक्यूम को वो भरने की कोशिश कर सकता है। मतलब बिल्कुल
नहीं देखिए, मैं ये कहूँगा आपसे कि जितनी भी चीज़ें हैं जो मैंने त्रुटियों की बात करी, और हमारा जो फोकस है वो पूरा पूरा पॉलिसी मेकिंग पर है, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं शायद वो इस पीढ़ी के लोग समझ सकें। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके वीडियो के माध्यम से दूंगा। ऋषिकेश और गंगा यहाँ पर सदियों से बह रहे हैं, और एक छोटा सा हमारा विजन है, मुझे लगता है शायद वो इस पीढ़ी के लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से समझे। माँ गंगा यहाँ पर है, अगला जो बड़ा शहर हमारे पास है दैट इज़ हरिद्वार। सो हम लोगों का जो प्रयास है, वे ट्राइंग टू द डे विल बी इन पोजिशन टू चेंज एनी थिंग इन ऋषिकेश, विल डेफिनेटली ट्राई टू एस्टैब्लिश वाटर इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बिटवीन ऋषिकेश एंड हरिद्वार, जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन, और इसमें नोबडी हैज टॉक्ड अबाउट इट टिल डेट, एंड इट इज नॉट एन एलियन कॉन्सेप्ट, इट इज नॉट ए न्यू कॉन्सेप्ट फॉर इंडिया, फॉर उत्तराखंड। अब मैं ये कहता हूं कि अभी तक हम ये क्यों नहीं कर पाए, ऐसा क्या था कि एक अभी तक हम सिर्फ खड़ंचों और सोलर लाइट पे अटके रहे, ऐसा क्या था कि हम नालियों को देखकर खुश होते रहे, ऐसा क्या था कि 50 मीटर और 100 मीटर से आगे अभी तक हम लोग नहीं बढ़ पाए, ऐसा क्या है कि हम लोग उसी विशेष साइकिल में घूम रहे हैं और उस साइकिल से बाहर नहीं आ रहे हैं। तो मेरा पूरा पूरा मानना, मैंने एक छोटा सा उदाहरण आपको दिया, क्यों नहीं हम वाई कांट वी एस्टैब्लिश अ वाटर ट्रांसपोर्टेशन रूट बिटवीन हरिद्वार एंड ऋषिकेश, एंड आई थिंक इट कैन बी डन बिटवीन बैराज और जो हरिद्वार का जो एक पार्ट है उसके बीच में, बिल्कुल, एंड दैट कैन बी अ बिग हिट। मुझे लगता है रोड के ऊपर से जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हट जाएगा, एंड देयर आर मेनी टूरिस्ट मेनी गेस्ट जो सिर्फ और सिर्फ आरती देखने ऋषिकेश से, दे ट्रैवल फ्रॉम ऋषिकेश टू हरिद्वार फॉर अ गंगा आरती। और वो जो जैम का उनका प्रॉब्लम है, इशू है, वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा, बिल्कुल। तो एक छोटा सा मैंने उदाहरण दिया है, और ऐसे बहुत सारे, वी हैव विजन, वी कैन फोरसी, हम देख सकते हैं कि क्या होगा और क्या होना चाहिए, एंड इट डज नॉट इनकर एनी कॉस्ट। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई अलग से कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर को सेटअप करने की जरूरत है, वी डू नॉट नीड एनी एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस विजन। तो मुझे लगता है ऐसे बहुत सारी चीजें हैं हमारी, और ये पहले भी हो सकता था। चलो अभी इसको थोड़ा सा पॉलिटिकल और उससे हटा करके वापस थोड़ा इंडिविजुअल उस पर लेकर के आते हैं। स्कूल में कनक वॉज अ गुड बॉय और नॉटी वन? अब मुझे बैक बेंचर और फ्रंट बेंचर, ये आंसर आई थिंक कभी मेरे किसी टीचर से मिलेंगे तो वो शायद ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। एवरेज था सब कुछ, देयर वाज अ मॉडरेट थी चीजें। आपके ऊपर भी प्रेशर था कि लाइक मेरी तरफ, मेरे पे बहुत प्रेशर होता था। अच्छा। लाइक स्कूल में मेरे जो क्लासरूम होता था उसमें ओनली 7-8 रोज आर देयर, जो रोज होती हैं 7-8 होती हैं, लेकिन मेरे पे बहुत प्रेशर होता था घर वालों का कि फ्रंट रो पे बैठना है। एंड आई सेड कि 80 बच्चे हैं क्लास में, हर दिन मेरा नंबर फ्रंट रो पे नहीं आ सकता। तो ये प्रेशर, इस तरह का प्रेशर आप पे था, आगे बैठना है, टीचर के पास होना है? नहीं, ऐसा प्रेशर नहीं था, बट एक प्रेशर था कि क्लास में सीनियर जूनियर के साथ कभी झगड़ा नहीं करना है। ओके। क्योंकि स्कूल में जब छोटे होते हैं तो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है बच्चों के झगड़े में। कभी एक दो बार झगड़े हुए 6th क्लास 5th क्लास में तो सीधा सीधा एक 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 तो होता है ना, चाचा विधायक है हमारे, एक होता था अपने तो पापा ही विधायक है, तो नहीं, उस समय पापा चेयरमैन थे नगर पालिका के। तो बहुत ही छोटी सी कम्युनिटी में जब आप रहते हैं तो बातें बहुत जल्दी नहीं है, बहुत जल्दी फैलती है, और मेरी मम्मी भी पहचान लेती थी कि आज ये झगड़ कर आया है। बहुत ही अच्छा, कनक कभी लीवरेज लिया इस बात का? किस बात का? कि फादर जो है वो मिनिस्टर है, और मतलब एज ए स्टूडेंट जैसे होता है ना कॉलेज में, यार चल देख लेंगे ना, कोई बात नहीं अपना। नहीं, ऐसा पहले से ही था कि बहुत ज़्यादा घर से ही इंस्ट्रक्शन थे कि बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को और ऐसे संरक्षण से भी दूर रहना है। हाँ, अनड्यू एडवांटेज से भी दूर रहना है। कोई अगर गलत चीज़ के लिए कह भी दे तो उससे भी दूर रहना है, क्योंकि खुद को जरूरत पड़े ना पड़े, बट दोस्तों यार, हाँ, यारी दोस्ती में कभी ऐसी जरूरत पड़ जाए तो उसको भी इस पूरे एनवायरनमेंट से दूर रखना है। तो हाउ डिड योर पेरेंट टैकल दैट थिंग कि यार अभी बच्चा जो है वो कॉलेज में है? और होता ही है, अब अमूमन होता है कि लाइक आपके आपके साथ जो आपका बडी है
वो किसी प्रॉब्लम में आ, बट दैट प्रॉब्लम इज कि मतलब ठीक है आप फेवर ले सकते हो बट इट्स नॉट जेन्युइन एक्चुअली, या आप उसको उस तक नहीं ले जा सकते कि यार चलो ठीक है पापा से. इट वाज नेवर अ प्रॉब्लम. आई विल टेल यू वन थिंग, ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स इन माय यूनिवर्सिटी एंड इन माय कॉलेज दे वर ऑल गुड बॉयज. कभी कभी मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा जो एजुकेशन का जो इन्वायरमेंट था कॉलेज में बहुत इंगेजिंग था. आप इतना टाइम ही नहीं है कि आप कुछ ऐसा कर लो. जो एक माहौल होता है और लॉ में खासकर इतनी इतनी बुक्स आपको, इतने लॉज, बाई लॉज, स्टैट्यूट्स आपको पढ़ने हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा इन सब चीज़ों के बारे में सोचने में, इतने असाइनमेंट. और मुझे लगता है जो एजुकेशन पॉलिसी है उस पर बच्चे को रखा ही इतना इंगेज जाता है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में खासकर, कि वो रडार के बाहर कभी सोचे ही ना. तो मेरे जो दोस्त थे, जो मेरा सर्कल था, वो भी बहुत ही सीरियस बैच, बहुत ही सीरियस फ्रेंडशिप और बहुत ही समझदार लोग. उन्होंने कभी टचवुड, उन्होंने कभी कुछ गलत कहा भी नहीं. वो भी समझते थे कि क्या गरिमा है, क्या प्रोटोकॉल है और क्या नहीं कहना है. नहीं कहना है तो, और होता अगर शायद दोस्ती गलत होती तो हर दिन का थाना और चौकी रहता. बट पूरे 5 साल के लॉ स्पैन में कभी इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी. ओके सो फिर जब आपने लॉ कर लिया तो फिर कभी ऐसी कौन सी चीज़ थी कि लाइक अब मुझे बाहर जाके ही पढ़ना है? लाइक लॉ कर लिया था, प्रैक्टिस कर सकते थे. नहीं, मैं ये देखना चाहता था जिस देश ने हमें 200 साल तक, 300 साल तक गुलाम रखा, उस देश का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, क्या उनकी दूरदर्शिता है, कैसा वो लोग सोचते हैं, क्या उनका विजन है, कैसी उनकी प्लानिंग है. तो यूके इसलिए जाना था, और भी ऑप्शंस थे बट मुझे लगता था कि एक बार जरूर मुझे देखना था ऐसा देश जहाँ जिसका पताका पूरे विश्व में लहराया, उस देश के लोगों में, वहाँ की व्यवस्था में, वहाँ के मैनेजमेंट में ऐसा क्या है. और वास्तव में जब जाना हुआ तो बहुत सी चीज़ें सीखी, देखी, ऑब्जर्व करी. अच्छा शौक मिलता है वक्त पूरे करने के लिए, या अभी तक, अभी तो खैर अभी तो आप अभी एंटर किया है लाइक पॉलिटिकल लाइफ में, लेकिन शौक क्या है जो कनक रखते हैं? शौक देखिए, जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं तो बहुत ज़्यादा जिस एटमॉस्फेयर में आप डेली जी रहे होते हैं और जो काम आपका होता है वही आपका शौक बन जाता है. कॉलेज में थे तो राइड बाइक वगैरह में जाने का रहता था, काफ़ी पहुँचे रहते थे, कभी मसूरी कभी चकरा था, तो इस तरीके का रहता था. बट पिछले 4-5 सालों से मुझे लगता है जब इंसान सार्वजनिक जीवन में आने की तैयारी करता है तो बहुत ज़्यादा वो स्टडी में रहता है, उन चीज़ों की तैयारी में रहता है, किताबों में रहता है. रीडिंग एक शौक था बट टाइम ना मिलने के कारण वो पॉडकास्ट और ऑडियो बुक्स में कन्वर्ट हो गया. डोंट यू गेट हंग अप लाइक इतने लोगों से मिलना, मीटिंग्स हैं, लोगों से मुलाकात होनी है, प्रोग्राम लगे हुए हैं और लोग प्रॉब्लम लेकर के भी आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल सी यू ऑन लाइक बिगर प्लेटफॉर्म, और उनको लगता है कि अच्छा ठीक है ही समवन की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है इसकी, तो मतलब हो सकता है कि लाइक दे कैन हेल्प वेदर इट्स फाइनेंशियली और एनी अदर वे आल्सो. तो डोंट यू गेट हंग अप कि लाइक यार अभी ना फोन बंद कर दो और थोड़ी देर लाइक आई नीड माई स्पेस नाउ. मैंने कहा ना, मैं जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो यही माहौल, और मम्मी की मेरी बड़ी इच्छा थी कि बेटा पॉलिटिक्स में ना जाए. ओके मम्मी का बड़ा था कि क्योंकि कोई भी जो पर्सनल लाइफ होती है वो इस मिशन में नहीं होती है, बहुत ज़्यादा हैम्पर रहती है आउटसाइड एनवायरनमेंट से. तो मम्मी का बड़ा अभी भी जोर रहता है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे शादी होगी, कैसे आगे रखना है, क्योंकि जो लाइफ स्टाइल इस समय है उनको बड़ी चिंता रहती है मेरी. और फैमिली में शुरू में तो सभी का था कि ये चीज़ें ना हो, जो फैमिली देख रही है, समझ रही है, अंडर गो कर रही है, उनका ये था कि सेकंड जनरेशन में ये चीज़ें ना आए. तो वो क्या एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप ना अपने आप का अपने लिए एक स्पेस बनाते हो ऐसे ऐसे मोमेंट पे, क्या जब आप ना अब एक स्विच ऑफ होने वाली, देखो आदमी कितना भी कर ले उसकी लिमिटेशंस हैं, बिल्कुल वेदर यू हैव बीन इन दैट फैमिली और ऑल,
यार ये दिस इज माई टाइम और माई स्पेस एंड हेयर इज कनक ऑनली, तो क्या करना पसंद करते हैं उस टाइम? नहीं ऐसा कोई टाइम का बाइफर्केशन नहीं है, मैं फिर से बता दूं जितना टाइम मिलता है आजकल सोशल मीडिया इतना इंगेजिंग हो गया है कि आपकी जो हॉबीज हैं जो शौक है उनके लिए आपको टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि अपडेटेड भी रहना ज़रूरी है। तो शाम को जो आधा एक घंटा घर जाने के बाद मिलता है खाना खाने के बाद, वो पूरा टाइम या तो ऑडियो बुक्स YouTube वीडियो या फिर सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते हुए निकल जाता है। बहुत ज़्यादा बाइफर्केशन नहीं किया हुआ है लाइफ में कि माई टाइम है पर्सनल टाइम है। जो है रात को भी कभी कॉल आ जाए, कोई परेशानी में है, आपका अपना साथी है, कोई नोन है, किसी ने आपको किसी उम्मीद से अगर कॉल किया है तो आपको यू हैव टू बी देयर। ओके, तो जब हम इस तरह की लाइफ में होते हैं यूजुअली, जब हम लोग और जहाँ पे हम लोग अपने प्रोफेशन को टाइम दे रहे हैं व्हाटएवर प्रोफेशन वी हैव, इसके अलावा हमें एक तो प्लान टाइम है कि हमारे प्रोफेशन का टाइम ही है, उसके अलावा हम लोग अपने लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन जब फिर पब्लिक डोमेन में आते हैं तो वो टाइम का भी भरोसा नहीं होता कि लाइक वेदर इट इज़ फॉर यू एंड ऑल। बिल्कुल, काफ़ी फिट लग रहे हैं अभी भी, तो व्हाट यू डू फॉर इट, लाइक फिटनेस पे कैसे ध्यान देना है कि लाइक मुझे लंबा भी जाना भैया, एक दो दिन की बात नहीं है, एक आध साल की बात नहीं है, लाइक आई नीड टू गो लॉन्ग। बिल्कुल, कैसे टाइम निकालते हैं और क्या करते हैं उसके लिए? नहीं कोई बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ, जिम जाता हूँ बट हफ्ते में एक या दो ही बार, डाइट पे थोड़ा सा कंट्रोल रहता है कि बहुत ज़्यादा फूडी नहीं है थे, बट जिस हिसाब से लाइफ स्टाइल सिडेंट्री लाइफ स्टाइल हो चुका है उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करते हुए रात को ज़्यादा नहीं खाता हूँ और चाय से परहेज, ये सब चीज़ों पर कंट्रोल रहता है और कोशिश रहती है कि बहुत ज़्यादा शुगर इनटेक कार्ब्स इनटेक ना हो, बैलेंस डाइट रहे, है ना। फैमिली में और कौन कौन है? मम्मी है, पापा हैं, एल्डर सिस्टर है, शी इज मैरिड। ओके, तीन लोग हैं, दादा दादी हैं। ओके, सो नाउ यू आर द ओनली वन जो आई एम द ओनली वन, अब और भी हैं बट वो इज बैचलर। बैचलर आप ही हैं? बैचलर भी नहीं कहेंगे शायद 27 साल की उम्र में, तो अनमैरिड ही कहेंगे, अनमैरिड बैचलर। ठीक है, फ्रॉम 18 to 24। सो मतलब रिश्ते आने शुरू हो गए हैं या अभी इंतजार कर रहे हैं sajid.com पे प्रोफाइल जाने का? नहीं नहीं अभी पूरा ध्यान एक ही तरफ है। okay. अभी कोई ऐसा प्रेशर भी नहीं है घर से, बहन की शादी लास्ट ईयर ही हुई है तो, एक टाइम है अभी, अभी 2-4 साल जितना और मेहनत कर सकते हैं गृहस्थ जीवन से बाहर रहकर, मुझे लगता है वो अच्छा स्पेस मिला है घर से, कोई ऐसा प्रेशर नहीं है। एक हर एक की लाइफ में अपनी एक महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हाँ जी, हर एक अपने गोल हैं, मे बी यू हैव योर ओन पोलिटिकल गोल्स की लाइक आज ये है यहाँ शुरू कर रहा हूँ एंड आई नीड टू टेक इट टेक दिस जर्नी टूवर्ड्स लाइक इस एक पर्टिकुलर बिल्कुल पॉइंट तक। आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं, क्या गोल है? नहीं महत्वाकांक्षा मुझे बड़ा ही नेगेटिव वर्ड लगता है, एक एस्पिरेशन हो सकती है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, तो एक छोटी सी एस्पिरेशन है और ये चाहता हूँ ये सोचता हूँ कि कुछ बदलाव किसी के जीवन में 0.1% से भी अगर ले आऊँ तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बड़ी बात है, वो मेरे लिए बड़ी रीच है, बड़ी उपलब्धि है। तो सिर्फ इतना है कि मैं उस पोजीशन पे रहूं या मैं उतना मजबूत रहूं कि मैं किसी के भी जीवन में उनकी समस्याएं जो शासन और प्रशासन से संबंधित हैं उसका निवारण मेरे पास हो, एक याचक की तरह नहीं बट एक अधिकार भाव से मैं उस समस्या का निवारण कर सकूं। तो ये मेरा एस्पिरेशन है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं बहुत बार निराश होकर उनको घर भेजना पड़ता है, वापस भेजना पड़ता है, तब लगता है कि हम लोग इस पूरे ताने बाने में हम लोग कितने छोटे हैं, क्या हमारा सेल साइज है, तो तब इस बात का बड़ा दुख होता है कि हम लोग वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्त हैं? हाँ जी, मतलब यू हैव अ बिग गैंग और लाइक कुछ? नॉट अ बिग गैंग टिल 10th ग्रेड, इट वाज अ वेरी लार्ज गैंग, बट फिर उसके बाद एज आई मूव्ड आउट टू मसूरी उसके बाद it got confined to few people and now in college also we have 4-5 friends. पुराने दोस्त हैं? हाँ पुराने भी हैं। लगभग कितना मतलब? लगभग second, third, fourth, fifth. And we are still in touch. We are still in touch. Still in touch. मिलते हैं कभी-कभी होता है reunion? हाँ मिलते हैं whenever they drive down to Rishikesh या
जो लोग दिल्ली वगैरह रहते हैं जॉब कर रहे हैं व्हेनेवर दे आर बैक होम दिवाली में होली में दे कॉल मी एवरी टाइम. कई बार गेट टुगेदर हो जाती है okay. कई बार रीयूनियन नहीं हो पाती है. इट डिपेंड्स कि वो किस टाइम पे आ रहे हैं. किसी का एक हर एक लाइफ में होता है ना जहाँ दो दोस्त मिलते हैं वो कई बार आप टीवी एड्स में देखते हैं तो लाइक या कोई मूवीज में या कहीं पे एक सिनेरियो देखते हैं हम लोग तो एक एक मेमोरी होती है जो दैट कैन टर्न एवरीवन नॉस्टैल्जिक. मतलब ठीक है तुझे वो याद है तो ऐसा है कुछ क्या जो मतलब जिसको जो मतलब कहीं भी स्विच कर दो तो हाँ ठीक है वहीं पहुंच गए बचपन में. नहीं ऐसा बहुत ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ रहा नहीं. बट जब भी हम लोग मिलते हैं बहुत ही आत्मीयता के साथ और उसी पुराने फ्रेम में मिलते हैं. बट ऐसा कुछ बचपन का ऐसा कोई मेमोरी नहीं है. हर 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 दिन ही महत्वपूर्ण था. हर दिन ही मेमोरी. कुछ ऐसा स्पेसिफिक कुछ बड़ा ऐसा नहीं है कि याद करा जाए और फिर चैनल के माध्यम से शेयर किया जाए. बट नॉर्मली जो है वो साथ में गाड़ी चलाना गाड़ी सीखना साथ में गिरना जो एक हर एक किशोर के जीवन में होते हैं. एक कभी खुद से जैसे अभी काम कर रहे हैं कभी खुद से ये लगता है कि यार ये ना कुछ गलत हो गया ये नहीं करना चाहिए था या यार मैं ना ये जो है अभी नहीं कर पा रहा हूँ ठीक. अपने से कोई शिकायत या कुछ ऐसा कि हाँ दिस इज व्हाट आई शुड स्टॉप या दिस इज व्हाट आई शुडन हैव डन ये नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा कुछ रिग्रेट कभी नहीं. ऐसा जो रिग्रेट वाली बात है कि ये नहीं होना चाहिए था या ये होना चाहिए था बहुत ज़्यादा मुझे लगता सोच और मंथन के बाद कोई भी कदम कोई भी फैसला उठाते हैं और उसके रेपरकशंस को जानने के बाद उस चीज पे काम होता है. हाँ बट कुछ लाइफ स्टाइल है जिसको छोड़ना चाहते हैं कई बार टाइम से नहीं उठा जाता तो हर दिन ये संकल्प रहता है अभी न्यू ईयर फिर से आ रहा है तो इस बार फिर से है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है 5 बजे 4 बजे 4:30 बजे नहीं अडेयर कर पाते हैं. बार बार 10 दिन 5 दिन रहता है. योगा का बार बार रहता है कि अब शुरू करना है तब शुरू करना है. इन चीज़ों पर रहता है काफ़ी सोच. बट बहुत ज़्यादा मजबूत संकल्प नहीं ले पाते हैं तो 5-10 दिन के बाद. आखिरी कुछ सवालों में फिर ऋषिकेश पर लौटते हैं जी. कनक और ऋषिकेश बिल्कुल एक टैगलाइन हमने देखा था परिवर्तन का पूर्व था जी. कनक के बाद ऋषिकेश कैसा रहेगा क्या नई पिक्चर होगी कनक के बाद ऋषिकेश की. मुझे लगता है सबसे बड़ा जो बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो एम्स होगा. वो जो आज एम्स में सिफारिश के बाद एडमिशन होता है किसी भी विभाग में मुझे लगता है एक बड़े लेवल की अगर मैं पिक्चर बताऊं जिनकी बातचीत समाज के वरिष्ठ लोगों से है नेताओं से है प्रतिष्ठित व्यक्तियों से है उनका तो काम हर जगह हो जा रहा है. एक एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रशासन विशेषकर न्याय संगत तरीके से हर एक को समानता के साथ देखे. एम्स की अगर मैं बात करूं तो ऋषिकेश में मुझे लगता है हम लोग एक बहुत समाधान एम्स एक हमारी मुहिम चल रही है जिसमें हम लोग एम्स में जो 50,000-60,000 रुपए लेकर जो भ्रष्टाचार हो रहा है नौकरी लगाने का जिसमें 13 लाख रुपए देकर पक्का करने की बात हो रही है जिसमें ओपीडी का टाइम 1 बजे तक है जबकि और हॉस्पिटल में आप चल जाएं वहां 5 बजे तक ओपीडी है जिसमें पार्किंग का डबल बार ट्रिपल बार जितनी बार आप एग्जिट और एंट्री करेंगे उतनी बार पार्किंग शुल्क लिया जाता है जिसमें टेस्टों की जो स्पीड है आपका MRI अल्ट्रासाउंड जितने भी टेस्ट होने चाहिए जो उनमें 3 महीने और 4 महीने की डेट आती है इन चीजों को लेकर हमारी लड़ाई है. और सबसे बड़ा परिवर्तन जो दिखेगा वो मुझे लगता है एम्स के अंदर दिखेगा एक पब्लिक हेल्थ और उस सेक्टर में हमें दिखेगा. ऋषिकेश की अगर बात करें टूरिज्म को लेकर के यहाँ पे लोग बड़े आशावादी हैं कि लाइक टूरिज्म एक बड़ा बिजनेस है यहाँ पर जो वाकई में है अभी. लेकिन अभी मैंने पिछले कुछ इंटरव्यूज़ किए थे और जहाँ मैं लोगों से बात करता हूँ लोगों की एक ही बात है यार टूरिज्म है तो सही लेकिन टीरी और पौड़ी वालों के लिए हो जाता है या नरेंद्र नगर विधानसभा के लिए या मतलब डिस्ट्रिक्ट की बात करें टीरी की बात कर लें या पौड़ी की बात कर लें. देहरादून जो है या मतलब जो पर्टिकुलर ऋषिकेश है बिल्कुल विधानसभा की अगर हम लोग उसे बात करें वो अछूती सी रह रही है.
बिल्कुल सही बात कही आपने ऋषिकेश, पिछले 40-50 साल से गंगा आरती के मॉडल पे चल रही थी और आज गंगा आरती की ये स्थिति कि गंगा आरती अगर कोई वीआईपी आता है तो या तो परमार्थ जाते हैं या हर की पैड़ी जाते हैं। पिछले 30-40-15 सालों में हम लोग एक गंगा आरती के मॉडल को अपग्रेड नहीं कर पाए। छोटा सा उदाहरण है, राफ्टिंग, कैंपिंग, कयाकिंग, कनोइंग, बंजी जंपिंग, सारी चीजें अन्य ब्लॉकों में होती हैं। नाम किसका जाता है? नाम ऋषिकेश का जाता है। ब्रांडिंग किसकी होती है? कि ऋषिकेश जा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये वास्तव में एक बहुत बड़ी चुनौती है, इस टूरिज्म को हम कैसे वापस नीचे ऋषिकेश की तरफ लाएं, कैसे यहाँ पर हम लोग आध्यात्मिक पर्यटन। अभी मैं थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च कर रहा था, लाइक एक मेरे को टर्म मिली इसके लिए, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ योगा और नाम उसमें ऋषिकेश है, बट लाइक जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक अभी तो खैर कोविड की वजह से 2 सालों से हुआ भी नहीं है, बट एवरीथिंग इज़ ओवर देयर। कि मतलब जो योगा की ही अगर हम बात करें, एक 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 बहुत बड़ा दुर्भाग्य है योगा में, पीजी कॉलेज में योगा का अंडर ग्रेजुएट सब्जेक्ट नहीं है। पीजी कॉलेज में यहाँ का बच्चा पढ़ने के लिए देहरादून जा रहा है, तपोवन जा रहा है, और कहने के लिए योग नगरी ऋषिकेश को कहा जाता है। अब आप बताइए कितना कितना कॉन्ट्रेरी है, कितनी बड़ी हिपोक्रेसी है। आप कह तो योग नगरी रहे पर अभी तक विषयों की स्वीकृति यहाँ के स्नातकोत्तर विद्यालय को नहीं मिली है। आप इस बात का कंट्रास्ट देखिए, सिस्टम का फेलियर है। बिल्कुल है। दूसरी बात, एक छोटा सा, मैं आज एक योगा के प्रोग्राम में ही था, मैंने वहां पे छोटी सी रिसर्च करी, मैंने देखा योगा मैट जो आते हैं, योगा भारत का एक यूएसपी है और योगा मैट बन के चाइना से आ रहे हैं। छोटी सी बात, योगा यहां बिकता है, योगा यहां ब्रांड है और उसका जो सामान है, उसकी जो चीजें हैं वो चाइना से आ रही है। हमने ऐसे ही कुंगफू को भी खोया। कुंगफू मूलतः भारत की एक कला थी, विधा थी। उस कुंगफू को हमने, हमारा यहीं का कोई बहुत ही बोधि शरण थे, वो चीन गए, वहां उन्होंने सिखाया और वहां उन्होंने बहुत तत्परता के साथ सीखा और आज ये स्थिति है कि कुंगफू का जो नाम है वो चाइना के नाम से आता है, कराटे जापान के नाम से आता है और अभी योगा हमारे पास है। बट मुझे कहीं भी आप पूरे ऋषिकेश घूम जाएं, आप ग्रामीण घूम लें, आप नगर घूम लें, कहीं भी ऋषिकेश में योगा का माहौल आपको। बच्चे यहाँ पे कोर्सेस कर रहे हैं सर, इसको एक कोर्स बोलते हैं, टीचर ट्रेनिंग कोर्स आता है, तो उसमें भी जो है वो योगा अलायंस का सर्टिफिकेट मिल रहा है। योगा अलायंस यूएस के पास है, बिल्कुल वो वहाँ से सर्टिफाइड कर रहा है। लाइक वी डोंट हैव दैट अथॉरिटी कि मतलब हम बिल्कुल यहाँ पे कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करके उसको बना पाए। एक राइट एक एक जितने भी बड़े योगा के इंस्टीट्यूट या तो बिहार में है या मुंबई में है और नाम आता है ऋषिकेश का, मैं यही कह रहा हूँ ये बहुत बड़ा फेलियर है, बहुत बड़ा एक वॉइड है जो हम दिखा रहे हैं लोगों को और जो वास्तव में ऋषिकेश में। आप इन घाटों की स्थिति देखिए, मैंने जितना देखा जितना समझा, जो रेत साफ हो जानी चाहिए थी वो आज घास वहां पर जम गई है। किसकी किसकी गलती है? तो छोटी छोटी चीजें होती है, बहुत ज्यादा लोगों को नहीं चाहिए। शिक्षा है, हेल्थ है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, सब्जेक्ट और फैसिलिटीज देने की बात होगी। पानी का एक माँ गंगा यहाँ पर है, वाटर ट्रांसपोर्ट की बात होगी, तो इस तरीके की बात। एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा प्रॉब्लम है युवाओं के लिए, यूथ के लिए। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट जैसे मैंने कहा, हम लोग स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जो एजुकेशन है उसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो जीरो हो चुकी है। आप एक बीकॉम करके जाए कहीं पर भी और कहें कि मुझे जॉब चाहिए, आप जब तक अलाइड कोर्सेज नहीं सीखेंगे तब तक एम्प्लॉयबिलिटी है नहीं। और जो एजुकेशन अभी हमें उम्मीद थी, जो नई पॉलिसी आई थी उसमें कुछ नया निकलेगा, कुछ टेक्निकल निकलेगा, उसमें भी हम लोग कहीं विफल रहे। आज भी नई नीति आने के बाद भी हम लोग वो एम्प्लॉयबिलिटी जनरेट नहीं कर पा रहे हैं अपने एजुकेशन सिस्टम के साथ। लाइक मैं अभी रिसेंटली आई वॉज लिसनिंग टू समवन कि कहा जाता है कि जब सारी चीज़ों को का निचोड़ निकल जाता है, वो गन्ना डालता है ना उसमें मशीन में, true. जब वो सब कुछ निकल जाता है उसके बाद वो इंडिया में आता है। जैसे मैं कहूँ कि लाइक अभी मैंने रिसेंटली एक इंटरव्यू में देखा था, वो कहता है कि जब स्टील पे काम करते हुए दुनिया को 100 साल से ज़्यादा हो गए तब हमने स्टील के अंदर एंटर किए हम लोग। बिल्कुल, और वैसे ही जब अमेजन पूरी दुनिया में फैल गया देन वी केम इनटू फ्लिपकार्ट और समथिंग इस तरह की चीज़ें। जो नए वेंचर्स हैं, नए स्टार्टअप्स हैं, इनकी तरफ यूथ नहीं जा पा रहा है या
ये हमारी अवेयरनेस की कमी है मानते हैं आप, या इसमें आप कमी मानते हैं कि लाइक हाँ जो उनको मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है? बिल्कुल, जो स्टार्टअप की आपने बात करी है, स्टार्टअप इंडिया कागजों में वीडियोस में तो बहुत अच्छा चल रहा है, पर मैं इतने लोगों से मिलता हूँ, मैंने अभी तक किसी भी एक लाभार्थी से नहीं मिल पाया हूँ मैं स्टार्टअप इंडिया के। और कागज है, बैंक भी आपको स्टार्टअप इंडिया बैंक के पास भेजेगा, बैंक से आप अपना सिविल स्कोर चेक कराएंगे, वो आपकी मॉर्गेज मांगेगा, कई केसेस में नहीं मांगता है, देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये स्थिति है कि हम लोग स्टार्टअप के नाम पर पॉलिसी तो है, वीडियोस भी है, कैंपेन भी चला रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी जी, बट जब आप और हम उस चीज़ को, उस चीज़ का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरते हैं तो वो आपके लिए और हमारे लिए नहीं है। यूथ को एक बार एड्रेस करते हुए कि यूथ को या जो यहाँ पे हमारा जो क्षेत्र के जो युवा है, कनक मैसेज क्या देंगे, क्या मैसेज होगा, मतलब एज पर टुडे और एज पर द जो आप करने वाले हैं विद इन फ्यू मंथ्स और आगे? एक मैसेज यूथ के लिए है कि आप अपने आप को अपग्रेड कीजिए, हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखिए जिससे इम्प्लॉयबिलिटी बढ़े। मुझे नहीं लगता कि कोई यूथ ऐसा होगा जिसके पास मोबाइल फोन नहीं होगा, बट फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, इससे बाहर निकलकर कुछ ना कुछ नया, कुछ रचनात्मक और कुछ ऐसा जिसकी इम्प्लॉयबिलिटी हो करंट मार्केट में, कुछ ऐसा सीखिए। क्योंकि मैं देखता हूँ लोग बेरोजगार तो हैं, लड़के बेरोजगार हैं, पर सीखना कोई नहीं चाहता। डेस्क जॉब सबको चाहिए पर कंप्यूटर में एक्सेल नहीं आता। तो इस तरीके का माहौल है, हम लोग वास्तव में जो सीखने की जो चेतना है वो शून्य हो चुकी है। तो जितने भी मेरे युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी चीज़ें मार्केट में चल रही हैं, वो ट्रेडिंग हो, वो डिजिटल मार्केटिंग हो, वो कंप्यूटर में अपग्रेड करना हो अपने आप को, वो ऑनलाइन कोर्सेज हों, वो ऑफलाइन कोर्सेज हों, वो अगर आप टेक्निकल से हैं वो कैट का हो, जितने भी आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड करिकुलर कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को कीजिए। और ऐसा नहीं है कि इनके लिए पैसे लगते हैं, बहुत सारे कोर्सेज फ्री भी हैं। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है, सीखना मत छोड़िए, कम से कम 27, 28, 29, 30 साल तक तो अपने आप को और पॉलिश कीजिए, अपने स्किल्स को और अपने हुनर को। हमने कनक की बात करी, कनक एज अ स्टूडेंट, कनक एज अ जिसे बोलते हैं एक फैमिली बॉय, और कनक एज अ लाइक अभी टर्निंग टू अ पॉलिटिकल लीडर। एक जब मैं आपके बारे में थोड़ा सा इंक्वायरी कर रहा था तो मुझे एक चीज़ और पता चली, कनक राइटर भी है। बिल्कुल, तो कुछ बताइए, कोई एक्सपीरियंस? और देखिए, राइटर कहना उचित होगा नहीं होगा, बट एक बुक मैंने ऑथर की है, उसका नाम वाई बाल्कनाइजेशन है, और वो अमेजोन में भी उपलब्ध है, अवेलेबल है। हाँ, तो आप लोगों को इस वीडियो के साथ हम उसका लिंक भी भेज देंगे, अगर आप चाहते हैं कनक को पढ़ना तो डेफिनेटली आप वहां जा करके बुक ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू। तो क्या है, किस बारे में है किताब, क्या है इसमें? उत्तराखंड के ऊपर फैक्चुअल बुक है, जो ट्राइब्स यहाँ की हैं, जो बाइफरकेट हुआ था उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड, उसके एजिटेशन के बारे में है, उन चीज़ों के बारे में, उस समय क्या माहौल था, कितने इवेंट हुए, कितने एपिसोड हुए, उन सब चीज़ के बारे में है, ट्राइबल के बारे में है, जो 6 जनजातियाँ यहाँ पर हैं, थारू, बोक्सा, राजी, जौनसारी, भोटिया, इन सब के बारे में उस किताब में है, और जो पूरा उत्तराखंड राज्य का जो आंदोलन था उसकी कुछ ना कुछ झलक उसमें आपको मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी। थैंक यू सो मच कनक, आपने टाइम दिया, एंड इट वाज नाइस मीटिंग टू यू। आई होप आपका जो करियर है वो आपके इन्हीं थॉट्स के जैसे एकदम क्लियर हो, आप एक वाइब्रेंट जो आपकी पर्सनालिटी है उसको लेकर के आगे जाएं, हमारी सारी विशेष आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। प्लेजर स्पीकिंग टू यू, थैंक यू, वेलकम।